एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने नई वीडियो को लेकर आ गई हूँ और एक नया आइडिया आया है मेरे दिमाग में। ऐसी मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छा करते हैं। आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलो बिना टाइम गवाए चलते हैं वीडियो की ओर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ जिसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा चूजी है और उसको इतनी आसानी से चीज़ें पसंद नहीं आती, तो उसको लास्ट में मैं कैमरा दिखाऊंगी। वो हंस रही है बैक कैमरा में, ऑफ कैमरा में हंस रही है वो। तो मैं उसको लास्ट में बताऊंगी कि वो कैसी है, और अगर वो उसका रिएक्शन अच्छा रहा तब तो थम्स अप, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं रहा ना तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना, ठीक है? तो आज मैं अपनी कला बताऊंगी, अपना आर्ट बताऊंगी कि कैसे से मैं मेकअप करती हूँ। आपने मेरी चाची की वीडियो में देखा होगा, बट आज मैं थोड़ा वेस्टर्न जैसा मेकअप करने वाली हूँ। तो चलो अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ मैं आपको, ठीक है? तो ये है मेरी फ्रेंड रुचि। रुचि से हेलो। हेलो। तो आप मिल चुके हो रुचि से पहले भी, और अभी रुचि ने कुछ और पहना है, तो रुचि मुझे बताएगी कि इसको कैसा वाला मेकअप चाहिए, मैं वैसा वाला ही मेकअप करूंगी। वैसे इतनी ज्यादा प्रो नहीं हूं मैं, प्लीज मुझे जज मत करना, ठीक है? मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। तो रुचि को थोड़ा पार्टी वेयर जैसा मेकअप चाहिए, और इसको लास्ट में कैमरा दिखाऊंगी मैं, बैक कैमरा से सारा मेकअप करूंगी। इसको अभी देखना अलाउ नहीं है इसमें, फिर बाद में रिएक्ट करेगी ये कि इसको शर्म आ रही है अभी तो बाद में रिएक्ट करेगी ये कि कैसा लगा इसको मेकअप। तो चलो स्टार्ट करें, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मॉइस्चराइजर से शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे मॉइस्चराइजर से, मैं दिखाई नहीं दूंगी आपको, ठीक है? और ये है पॉन्ड्स, ठीक है? ये कैमरा मेरे ना ऐसे ही है थोड़ा सा, आपको डिब्बी से पता लग ही गया होगा कि ये पॉन्ड्स ही है। तो रुचि लो, ये लो अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाओ अच्छे से। आपको ऑल ओवर अपने फेस पे ब्लेंड करना है मॉइस्चराइजर, जहां जहां आपको पिंपल लग रहे हैं, क्योंकि हमारा फेस अच्छे से मॉइस्चराइज होना चाहिए। और उसके बाद हम यूज करेंगे प्राइमर, ठीक है? बेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्राइमर, इसलिए मुझे बार बार ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है? बेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्राइमर, इसलिए हम प्राइमर यूज करेंगे। मैंने करना है मेकअप? नहीं नहीं, मैं ही करूंगी वो, भूल गया। इसको ऐसे से, क्योंकि जो ब्लेंड इसको आता है ना ब्लेंड करना अच्छे से, तो ये खुद ब्लेंड करेगी अपने फेस पे। नेक पे, आपके फोरहेड पे, चिन पे, हर जगह आप अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद, उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर, आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, मैंने लिया है लैक्मे का। आप जितना अच्छा फाउंडेशन लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं जैसे अपने लगाती हूँ फाउंडेशन, मैं वैसे ही लगा रही हूँ रुचि के भी। और मैं ऐसी कोई मैंने बता दिया आपको, प्लीज़ आप मुझे गालियाँ मत देने लग जाना कि ऐसे नहीं लगाते फाउंडेशन, फलाना ढिमकाना, ठीक है? तो मैं जैसे लगा रही हूँ, आपको जितनी चाहिए होगा सामान आप उतना ले सकते हो। मैं इसको ऐसे ही ब्लेंड करूंगी। आप अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उसको गीला करें पहले, उसके बाद यूज करें। आपको जहां पिंपल्स है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ छाई है, कुछ भी आपको पिगमेंटेशन हुई है, तो वहां पर आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा सा वो लगे, वाइट लगे अपना फेस, तो या आप एक चीज जरूर करना, आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना, फिर आपका फेस नॉर्मल आ जाएगा। और ये जो अच्छे फाउंडेशन होता है ना, ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं हाथ से भी। देखो अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो कितने अच्छे से ब्लेंड होगा, देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। मुझे रुचि इस तरफ मुड़ तो थोड़ा, हाँ ठीक है, बोल भी ले कुछ है, कुछ हंसती रहेगी ये तो, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ थोड़ी सी कमी है वो रुचि खुद पूरी करेगी। रुचि ज्यादा मत रगड़ इसको, फिर तो कोई फायदा नहीं लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि जो आपका जैसे ब्लैक ब्लैकी ब्लैकी जैसा एरिया होगा ना, उधर आप जरूर लगाएं फाउंडेशन। और गर्दन को ना भूले, गर्दन और कान को ना भूले, और इसकी मांग भी भर देती हूँ मैं, ठीक है? यहाँ जैसे भरने चाहिए थे मुझे फाउंडेशन वाली मांग। अगर आपके पास फ्लफी ब्रश हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हो लास्ट में, क्योंकि हाथ से ब्लेंड करना बढ़िया रहता है यार। देखो कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब स्किन, हाँ स्किन टोन ही आपकी है बस आपको, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा है तो आपका मेकअप अच्छा है। देखो ज्यादा क्लियर से दिखा, नजदीक जा नजदीक जा नजदीक जा कैमरे के, ठीक है? तो कान भी लगा लो, ठीक है?
और अब हम क्या करेंगे, अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। एक और फाउंडेशन है मेरे पास मियोन का, इसको लगा के देखते हैं एक बार। मैंने यूज नहीं किया इसको एक बार भी नहीं है, देखो इसको कुछ ऐसा सा डब्बा है और ये ना बिल्कुल ही चिट्टा है यार, और ये खुल नहीं रहा है मुझसे, ये ना मेरी मेरी मेरे सामान को ना जंग लग चुका है। ये देखो फुल है, ये मैंने यूज भी नहीं किया अभी तक। रुचि लगाऊं, लगा के देखते हैं यार, उठती कुछ ज्यादा ही आ गया, चिट्टा ही ना हो जाए। फिर रुचि को बोलेगी क्या है ये, क्या कर दिया तुझे। बस बस बस, हाँ इधर इधर लगा। वैसे अभी इसको कैमरा दिखाई दे रहा है पर बाद में नंबर लेंगे इससे, ठीक है रुचि। अभी इसको कैमरा दिखाई देना है, जनता को क्यों बेवकूफ बनाना, ठीक है। तो हाँ रुचि अच्छे से देखो, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है ना रुचि, अच्छे से हो रहा है यार ये। आप इसको ना पिंपल्स के ऊपर लगाना, अगर आपके पास कोई वाइट फाउंडेशन है या कंसीलर है तो उसको आप पिंपल्स के ऊपर लगाना, ठीक है। ये कैमरे में ही देख रही है, फिर जो मेरा ना कैमरा टेढ़ा हो जाता है बार बार। क्या करें, जुगाड़ी लोग हैं हम, जुगाड़ू हिमाचल के। मैंने टेप ही टेप लगाई है, इससे बनाऊंगी मैं वीडियो। लिटरली तेरे कोई चैनल वायरल हो गया ना, मैं तो इस वीडियो को डिलीट कर। क्यों रुचि ना बड़ी मुश्किल से इसको राजी किया मैंने, पता आपको, ये नहीं मान रही थी बिल्कुल नहीं। और इसकी पिंपल्स में लगा देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बस इसको गर्दन चिट्टा ही मुंह लगना, गर्दन लगनी काली। हाँ, गर्दन का चमका मुझे। इसको ना पिंपल, जहां पर आपके पिंपल होगा ना उसको आपने रगड़ना, रुचि रगड़ी हो मत, इसको टैप टैप किया मैंने, ठीक है। फिर आपका पिंपल बैठेगा तो नहीं, पर ये है कि उसकी जो रेडनेस है वो कम हो जाएगी थोड़ी। तो अब आएगा आई मेकअप, तो आई मेकअप करते हैं, ठीक है। देखो ब्रशेस दियो, ये देखो मेरे पास आई मेकअप है, यहाँ पर आई पैलेट है और इसमें बहुत सारी शेड्स है। मैंने यहाँ पर बिल्कुल लाइट शेड ली है, ये वाली आप देख सकते हो, ये वाली शेड ली है मैंने, ये है लाइट पिंक, बिल्कुल लाइट पिंक है ना, पीच है ये, पीच है, बोल दे मुंह से, ठीक है। हंसती भी नहीं है यार ये, बहुत शर्मीली जैसी लड़की है। तो सबसे पहले आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, तो यहां से शुरू करूंगी मैं, कॉर्नर से इधर लगाऊंगी मैं बिल्कुल लाइट शेड। थोड़ा आप ब्रश ऐसे गोल गोल घुमाते हो, अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको पिक्चर्स क्लिक करके बता दूंगी लास्ट में। पता चला तो 3 बजे मेकअप भी करते, फोटो तो खींच ली। नहीं नहीं तेरे को फोटो खींचे बिना नहीं भेजूंगी मैं, 6 बजे कितने बस धूप लग जाए, लग जाएगी होगी, आंखें बंद कर। वाओ रुचि वाओ, कैसा लग रहा है आपको? भूत। बेइज्जती, देख सकते हो बेइज्जती, मेरी फ्रेंड ने कर दी मेरी बेइज्जती। यार काला ठीक करना। रुचि क्या हो रहा है मेरे, मेरी जनता के सामने तो मेरी बेइज्जती कैसे कर सकते। यहाँ से ऊपर को करना है, इसको ब्रश को पतला करना है ऐसे करके, एक पतला ब्रश भी होता है पर हमारे पास नहीं है, आगे खोल के और कुछ इस तरीके से आपको साफ करना है, तो आपका जो एक्स्ट्रा मेकअप होगा वो क्लीन हो जाएगा। रवीना। क्या रवीना? कालीनी। चुप रह कालीनी, क्या काली है गाइस, मेरे को बताना जरा आप लोग मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे, मुझे बताओ जरा इसकी आंखें काली लग रही है कहीं से? फिर तो मैं तो, मेरे को तो डूबी मर जाना चाहिए अगर मैं बोलूं अपनी आंखों को काला, मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है यार। बस ठीक है, दिखा जरा इनको, ये देख कितना अच्छा लग रहा है, आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है ना, पार्टी वेयर जैसा। तो मैं ना लाइनर लगा लेती हूं, लाइनर लगा दिया, पतला पतला लाइनर लगाया क्योंकि ये पार्टी वेयर लुक है, ऐसा कोई कथक डांस नहीं है, जैसे मैंने आपको विंग्स बताई थी ना, तो मैं दूसरी आंख में भी लगा लेती, तो मैं मस्कारा लगाऊंगी। टूट गई यहाँ से यार। तो चलो फेस मेकअप तो हो गया, ठीक है, अब बचा है ब्लशर, हाइलाइटर और लिपस्टिक, बस आईब्रोज बची है, आईब्रोज ना। हाँ तो आई मेकअप तो हो गया, आंखें बंद कर रुचि और दिखा मेरी जनता को, यहाँ यहाँ से बहुत अच्छा गया, ये डार्क शेड है, ये थोड़ी लाइट है और ये बिल्कुल ही लाइट है। ऐसा आप कोई भी मेकअप करो तो प्लीज वैसा ही करना जैसा मैं आपको बता रही हूँ, जितनी से मुझे नॉलेज है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करें, रुक जाइए करते हैं। तो मेरे पास ये है ब्रश, अब हम करेंगे ब्लशर, मेरा फेवरेट वो है ये। कौन सा वाला करना है, इतने सारे इधर, ये वाला लाइट, तो मैं लाइट वाला वो कर रही हूँ और फ्लफी ब्रश लिया है मैंने। पहले आप ऐसे ब्रश, ब्रश से ऐसे से ले और इसको ऐसे झाड़े, तो यही करूँ, कोई और करूँ, यही अच्छा है बस, तो ये लाइट है।
भगवान ज्यादा ना लगे ऐसे। हाँ आपको ब्लशर ऐसे करना होता है, यहां से पकड़ा ऐसे करके और ये ऐसे। जब मैं वो करूंगी ना हाईलाइट करूंगी तभी लाइट हो जाएगा खुद ही। और ये मेरा ना पूरा का पूरा टूट चुका है ये हाइलाइटर। ओ माय गॉड, हाइलाइटर लिया उसको भी झाड़ा। इसका वो पतला सा करना था। हाँ करती वो पिन, हेयर पिन मैं दूंगी अपने बालों के। रुक जा। तो आपको अच्छे से ब्लशर लगाना है आपके आपके चीक्स पे, नोज पे, लिप्स पे और चिन पे और हेड पे, जिससे आपका फेस बहुत अच्छे से शाइन करेगा। भी लगा सकते हो हाइलाइटर क्योंकि इससे ना चम वाली वो आती है। देखो चम वाला लगा रही हूँ जी को, मैं शीशा दिखा रही हूँ। रुचि कैसा लग रहा है तेरे को शीशा देख के? बस ऐसा लग रहा है एक प्रोफेशनल ने मेरा मेकअप किया। ओह माय गॉड, खुशी खुशी इतनी खुशी। अभी शीशा ही दिख रही है, मेरा टेप वाला शीशा मत दिख। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। वाव, देखो दिखाओ मेरी जनता को। यहाँ पर देखो आंखें बंद करो, ये देखो मैंने आई मेकअप, देखो आई मेकअप सबसे मेन होता है वीडियो में। और लिपस्टिक भी, लिपस्टिक मैंने इसलिए वाइन शेड किया है क्योंकि पार्टी वेयर जब आप नाइट जाते हो बाहर रात के लिए जाते हो, मतलब क्लब पब जो भी आप मैरिज में जाते हो, तो थोड़ी डार्क लिपस्टिक अच्छी लगती है। वैसे तो लाइट शेड भी अच्छी लगनी थी बट बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप किया है इस वजह से मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा वो स्मोकी सा और बोल्ड सा लुक दे रहा है रेड लिपस्टिक से इस वजह से। और मैंने विंग नहीं निकाली है लाइनर में, बिल्कुल ही सिंपल, क्योंकि अगर मैं विंग निकालती तो ये जो ये यहाँ पर स्मोकी आ रहा है ना पीछे से वो खत्म हो जा रहा था इस वजह से। वैसे तो और भी अच्छा लग रहा था, ये बोलते कि मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी है इस वजह से। अब हम हेयर लुक करते हैं, उसके बाद कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रेडी? अच्छा सेटिंग स्प्रे, सॉरी सॉरी सॉरी। बस ज्यादा आंखें मत कर, बस इसको सूखने दे। तो दिल थाम के बैठे, अब मैं आपको फाइनल लुक बताऊंगी। तो ये देखो बहुत ही ज्यादा कूल, क्लासी और ब्यूटीफुल और स्टनिंग लग रहा है सच में। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। लगा रुचि आपको? बहुत अच्छा है, फील्स लाइक मॉडल। मतलब मैं तो ना इतनी टैलेंटेड हूँ ना यार, कहाँ छुपाऊँ मैं अपने टैलेंट को। तो रुचि एक बार इनको बोल दो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो मेरी वीडियो को। क्या बोल दिया? तो बोल तो बोल दे, कुछ तो बोल दे। हाँ जरूर सब्सक्राइब करें इसका चैनल। हाँ लाइक इसको बिल्कुल मत डालियो यार। Oh my God. तो चलो very talented. Extraordinary. ये ना कभी तारीफ नहीं करती मेरी, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसमें तारीफ की। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैंने आपके साथ फोटोग्राफ्स भी शेयर कर दी और अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो अभी मैं आपको ढंग से बाय ऐसे ही करूँगी। तो चलो ठीक है, कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो। तो चलो ठीक है, टेक केयर, टाटा।